ये देखें, ये सारा इधर कारपेट डलवाया है, तो लग भी बड़ा प्यारा रहा है माशाल्लाह से। और पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा गंद डला हुआ है, बहुत ज़्यादा। जितनी भी हैं हाउस वाइफ उन्हें ज़्यादा पता होगा कि जब आप घर में कुछ दिन ना रहें तो घर की हालत कैसी होती है। अंदर से तो सफाई कर ली, लेकिन ये आप ये बाहर की हालत देखें, कितनी ज़्यादा डस्ट ये स्टेयर्स पे आई हुई है, इतनी किचन में सही गंद डला हुआ है ये देखें। क्योंकि डेली जब रूटीन में होती रहती है ना सफाई वगैरह, तो फिर घर साफ रहता है। फिर एक आध दिन ना भी हो ना तो मसला नहीं होता। अभी मैं आके बेड पे बैठी हूँ इसको सुलाने के लिए। इतना इसने शोर डाला हुआ था, रो 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 के जा रही, अभी इसको फीडर दे रही हूँ। और पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा गंद डला हुआ है, बहुत ज़्यादा, हर तरफ गंद पड़ा हुआ है। क्योंकि कारपेट वगैरह इन्होंने डलवाया था ना, तो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं सारे घर की। तो आते ही एकदम पहले तो ना मेरी देख के ही हालत ख़राब हो गई है कि अब ये सारा कुछ समेटना पड़ेगा। तो अभी तो रेस्ट करूँगी, और अभी टाइम भी ये देखें 10:15 हो गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह जब सफाई वगैरह करूँगी तो फिर दिखाऊँगी, और बाकी का जो व्लॉग है वो भी सुबह कंटिन्यू करूँगी। तो अभी ख़ुद भी सोती हूँ, बच्चों को भी रेस्ट कराती हूँ, तो फिर बाकी सुबह मिलेंगे। अभी फिर रेस्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। कुछ कुछ ठीक, अभी सो के उठी हूँ, और अभी टाइम आप देख लें 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और अभी मैं उठी हूँ। और अभी मेरा रात को मैं वापस आई थी, सारा सामान वो बिखरा पड़ा है, और बाहर भी इतना गंद डला हुआ है, क्योंकि 5 दिन के बाद मैं घर आई हूँ। और बच्चियाँ दोनों सोई हुई हैं, बड़ी इधर सो रही है, छोटी इधर सो रही है। ये तो अभी बस उठती हूँ, उठ के नाश्ता वगैरह करना है, बाकी काम जो भी हैं, घर पूरा समेटने वाला हुआ हुआ है। घर में जब ना हो ना तो फिर पीछे जो हालत होती है बस ना पूछें। तो अभी किचन की हालत भी इतनी बुरी हुई पड़ी है, उधर भी समेटना है, क्योंकि ना मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने डलवाया है कारपेट, और वो आए थे कारपेट डालने वाले आए थे, तो वो कोई जूतों के निशान, बस किचन में इतना गंद। फिर वो उस पर सिलेंडर पे हमने चूल्हा करवाया है एक, और हीटर तो अभी किचन में लगाया है अभी, क्योंकि गैस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। खाने के टाइमिंग गैस नहीं होती, वो तो सबको पता है, जो लोग भी देख रहे हैं सबको ये मसला तो तकरीबन पता ही पता है। तो खैर अभी मैं उठती हूँ, सारा लोग यहीं पे नहीं बनाना मैंने, चलो उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फिर जो साथ साथ काम करूँगी तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो मैं अभी उठ गई हूँ, इधर हीटर जलाया हुआ, अभी मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। ये देखें, ये सारा इधर कारपेट डलवाया है, तो लग भी बड़ा प्यारा रहा है माशाल्लाह से। तो मेरा दिल है ना, मैं सोफ़ों के नीचे वाले जो सोफे उन पे कवर ग्रे कलर का इसके साथ का, तो वो मैं इधर डाल दूँगी इन सोफ़ों पे, तो फिर मैचिंग सही हो जाएगी। और ये मैट है, मैट सही बड़े वाले लिए हुए हैं, ये देखें, ये इधर डलवाया हुआ है, और एक इधर किचन की आ गई है, ये इधर किचन में। इस तरह तो नहीं आ सकता था, तो इसको इस तरह कर दिया कि अगर जूते यहाँ तक भी आते हैं ना तो कारपेट गंदा नहीं होगा, ये इसका एक बहुत फ़ायदा हो गया। और बाकी किचन में सही गंद डला हुआ है, ये देखें, सही गंद गंद खाना डला हुआ है पूरा, अभी मुझे समेटना पड़ेगा सारा। इस रूम में भी बहुत गंद डला हुआ है अभी, ये भी सारा मुझे समेटना पड़ेगा अभी। LED वहीं पे पड़ी है जहाँ मैं छोड़ के गई थी, और इधर असनात लेटा हुआ है मेरा भांजा, ये इधर लेटा हुआ है, ये अपने पापा के साथ आया है अभी सुबह। मेरे हस्बैंड और इसके पापा गए हैं कब्रिस्तान, थोड़ा बहुत वो काम कराना था, तो वो दोनों उधर गए हैं मज़दूर वगैरह लेके, और इसको इधर छोड़ गया। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि इसको लेके आए हैं, क्योंकि अभी ये रिबा जब उठेगी, इसकी तो इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, अभी जब ये उठेगी ना तो इसने उठ के बहुत खुश हो जाना है, और फिर मुझे भी काम में आसानी हो जाएगी, वरना ये मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती।
तो इस तरह मैं भी बाकी सारा काम आराम से कर लूँगी, ये इसके साथ खेलती रहेगी, आपस में एक जगह बैठे रहेंगी और मैं बाकी सफाई वगैरह कर लूँगी। तो अभी नाश्ता करती हूँ, नाश्ते के बाद फिर हम फटाफट से काम के साथ लगती हूँ, क्योंकि बहुत काम है, ये सारे है, कुछ समेटने वाला है, कुछ शॉपिंग वगैरह की थी वो भी है, और रात को मैंने जो ली थी शर्ट्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये एक मैंने आइडियाज से ली थी और लाइम लाइट से ये मैंने ली थी दो शर्ट्स, तो ये भी ना मैं नहीं दिखाऊंगी, ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इस व्लॉग में तो भाई काम करना है घर का, तो ये मैं बाद में दिखाऊंगी। कल मैंने शॉपिंग की थी, हम लोग गए थे आर्किड में, तो वहाँ से हमने शॉपिंग की थी, शर्ट्स ली थी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था, आइडियाज़ का तो आया था, इसका टीवी में काफ़ी दफ़ा ऐड मैंने देखा था, तो मैंने कहा एक चक्कर लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि कल सारी शर्ट सेल हो चुकी हैं आइडियाज़ से। तो फिर लाइम लाइट पर गई, और भी गई थी एक दो जगह, लेकिन सफ़ायर पे तो बिल्कुल मुझे नहीं कोई अच्छी लगी, वहाँ पे नहीं थी विंटर की कोई कलेक्शन इतनी, तो सारी समर की थी। तो ये भी अभी आपको मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगी व्लॉग में, तो अभी मैं काम करती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद बात कर जी। तो सफाई वगैरह मैंने तकरीबन 70% कंप्लीट कर ली है, और 11:15 बजे मैं शुरू हुई थी, अभी आप टाइम देख लें कि 11:12 बज रहे हैं, और ये रूम भी मैंने सारा समेट लिया, इधर से सारा सामान उठा के अभी अलमारी में रखा है, और इधर से भी सारा मैंने सेट कर लिया है, ये देखिए सफाई मैंने कर ली है, इधर से भी सारी समेट ली है, क्या कर रही हो? और हरीबा इधर खेल रही है, लेकिन अभी किचन की हालत सेट करने वाली है, क्योंकि किचन के लिए चाहिए मुझे तकरीबन पूरा 1 घंटा, जो मैंने सफाई को दिया वो 1 घंटा मुझे किचन में लगना है, तो मैंने कहा फटाफट सफाई पहले कर लूँ, तो रूम वगैरह मैंने साफ़ करके, मैंने अभी विंडो भी ओपन की है, मैंने कहा कर्टन हटा लूँ तो थोड़ी रोशनी वगैरह आएगी, लाइट्स मैं इसलिए ऑफ़ करती हूँ ना कि बाहर से फिर अंदर नज़र नहीं आता, अगर लाइट वगैरह ऑन कर लो तो फिर बाहर से ना अंदर रूम वगैरह नज़र आता है, तो मैंने लाइट इसलिए ऑफ़ कर दी है, और अल्लाह अल्लाह करके सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट, और अब कुछ थोड़ा बहुत दिल को सुकून मिला है, और कारपेट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और मैंने अभी कारपेट चप्पल पहन के घूम रही हूँ, और टीवी वहाँ से उठाया हुआ है, वो उस रूम में साथ वाले रूम में रखा है, ताकि वहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के तो टीवी देखें नीचे, क्योंकि सोफ़ों की हालत तरीबा ना जूस पानी गिरा गिरा के बहुत ख़राब कर देती है, अभी इस पे नीचे वाले पोर्शन में जाऊँगी तो जो नीचे के सोफ़े पे ग्रे कपड़ा है ना, ग्रे कवर, वो मैं इधर इन पे लगा दूँगी, तो कारपेट के साथ ये भी मैच हो जाएगा, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब फटाफट से मैं पहले, मैंने नाश्ते से पहले सारा ये काम किया है, अब मैं नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद किचन का काम मुकम्मल करूँगी, तो सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट, बैग मैंने वो धो रखे हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, और बाकी के जो बैग थे वो अभी मैंने अलमारी के अंदर रखे हैं, क्योंकि उसको भी सेट करने में टाइम लगता है, तो मैंने कहा सबसे पहले मेन काम जो है वो सफाई का है, तो सफाई पहले होनी ज़रूरी है, बाकी काम आराम से होते रहेंगे, तो सफाई मेरी हो गई है, अब मैं डस्टिंग भी बाद में करूँगी, नाश्ता पहले करूँगी, फिर किचन समेटूँगी, फिर डस्टिंग, और फिर जो बैग वगैरह में है सामान वो निकाल के सेट करके रखूँगी, तो देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है, तो बल्कि ये भी लेके जाती हूँ मैट, इस पे रिशा को लिटाते हैं ताकि वो ना उधर बैठ के खेलती रहेगी, तो फिर उसको लिटाती हूँ इस पे, और आप लोगों से बात करते हैं कुछ देर के बाद। नाश्ता बनाने लगी थी, लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा कि बाहर की हालत भी दिखा दूँ, अंदर से तो सफाई कर ली, लेकिन ये आप ये बाहर की हालत देखें कितनी ज़्यादा डस्ट, ये स्टेयर्स पे आई हुई है इतनी, नीचे पोर्च भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, ये देखें अभी ये सारी मुझे ना सही तरह सफाई करनी है, वो देखें सारा इतना ज़्यादा गंद, घर आते ही ना मुझे टेंशन शुरू हो गई है सारी सफाई की कि अब सारा कर रहा है, लेकिन अभी नाश्ता करती हूँ तो फिर आराम से ये वाला काम भी ख़त्म करती हूँ। तो नाश्ता बनाने लगी थी, अभी बाहर आई थी मैं, तो मैंने कहा ये भी एक दफ़ा मैं दिखा दूँ कि अभी हालत देख लें, तो फिर बाद में जब मैं सफाई कर लूँगी तो फिर उसके बाद आपको दोबारा चेक कराऊँगी। अच्छा जी, तो ये नाश्ता हमारा आ गया है, ये नान मंगाए थे वो,
उनको तलैद चाय है और साथ में ये शाम को आप ही तरफ ख़त्म था तो उधर से ये सालन टिक्को वाला लाए थे, वो गर्म किया है। और अभी अरीबा को भी साथ बिठाया है, उसको भी कराऊंगी। और इसको भी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और सामने हमने टीवी लगाया हुआ है। और अभी हम नाश्ता करेंगे फटाफट से, उसके बाद जो बाकी का काम है वो फिर मैं बाद में करूँगी, तो भूख बहुत है, फटाफट से करते हैं फिर नाश्ता। अभी अरीशा को मैंने सुला दिया, ये यहाँ पे सो रही है ये, और अरीबा वो खेल रही है इधर। मैंने हीटर अभी इस रूम में चला दिया, पूरा घर गर्म हो गया। और इधर से भी मैंने जल्दी से सफाई फटाफट इधर से भी की है। अभी ये धोने वाला है, लेकिन ना मैंने कहा चलो जितना भी होता है हो जाए। इधर से पोच भी सारा मैंने साफ़ कर दिया जल्दी, और सीढ़ियाँ भी कर दी, अभी ये ड्राई नहीं हुई। तो बाकी अभी किचन भी साफ़ कर दिया, लेकिन उसके भी थोड़े से बर्तन रहते हैं तो भी अभी करूँगी, और भी वॉश करने हैं जो नाश्ते वाले थे। तो बाकी ये सारा हो गया है साफ, किचन भी, अभी बस ओवन साफ़ करने वाला रह गया है। बाकी ये चूल्हा दूसरा वाला है जो सिलेंडर पे है, और बाकी बर्तन थोड़े से रह गए हैं, ये वाले वॉश करने हैं। और इधर मैंने वॉश कर दिए हैं, ये भी करके तो ये सारे मैं फिर समेट दूँगी। तो बाकी बस डस्टिंग अभी रह गई है, वो मैंने करनी है। कुछ कपड़े वॉश वाले थे वो मैंने वहाँ रखे हैं, तो वो भी अभी मशीन में डालने हैं। और अरीबा यहाँ पे लेटी हुई है अपने भाई के साथ और देख रही है टीवी, वो पोइम देख रही है, ये टीवी देख रहा है। और अभी मैं भी थोड़ी देर लेटती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस टाइम पे, तो अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और टाइम अब देख लें कि 1:30 बज चुका है, 11:45 बजे मैं बाकी काम के लिए शुरू हुई थी और अभी 1:30 बज चुका है, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर जो कपड़े शॉपर वगैरह में थे गई हुई थी वो भी सारे समेटने हैं, अलमारी वगैरह में रखने हैं, तो बस काम यूँ ही साथ साथ चलता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा बीच में रोई है, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो ज़ाहिर बात है फिर बच्चों के साथ लगे रहो तो एक तो काम भी बनने का थोड़ा लेट हो जाता है और ऊपर से कुछ ना कुछ रह भी जाता है। तो अभी अरीबा को भी चेंज वगैरह करवाना है, उसको भी करवाती हूँ, साथ खुद भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और उसमें आपको ड्रेस भी दिखाऊँगी जो मैंने लिए हैं, तो वो भी साथ में दिखाऊँगी। आज का व्लॉग इतना ही था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी आते साथ जब घर में जितनी भी हैं हाउसवाइफ उन्हें ज़्यादा पता होगा कि जब आप घर में कुछ दिन ना रहें तो घर की हालत कैसी होती है, डस्ट से भरा हुआ घर, क्योंकि डेली जब रूटीन में होती रहती है ना सफाई वगैरह, तो फिर घर साफ़ रहता है। फिर एक आध दिन ना भी हो ना तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर एक हफ्ता पूरा आप घर की सफाई ना हो तो फिर तो डस्ट से बुरा हाल। और बाकी भी ना बीच में हस्बैंड भी मेरे किसी दिन होते थे किसी दिन नहीं, तो कोई आ गया इस तरह, आना जाना भी बीच में लगा रहता था, तो बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, किचन भी काफ़ी गंदा था, और जब कारपेट डाला था तो उस पे बाय जूतों के निशान, किचन में जूतों के निशान, इतनी बुरी हालत हुई हुई थी, तो चीज़ें भी काफ़ी बिखरी पड़ी थी। तो बस इसलिए टाइम काफ़ी लगा, लेकिन अब शुक्र है कि सारा घर साफ़ हो गया है, बस जो थोड़ा बहुत काम है वो साथ साथ होता रहेगा। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, इसे भी साथ चेंज कराऊँगी, तो फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।